तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एमपी हायर जुडिशियल सर्विस है उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो यदि आप जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट जज यदि बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन की डेट वगैरह क्या कैसी रहेगी, फ़ीस कितनी लगनी है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो जो यहाँ पर 12/1/2022 को ये एडवर्टाइज आया था, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आया है डिस्ट्रिक्ट जज के वैकेंसी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बात करें जो सबमिशन है ऑनलाइन अप्लीकेशन का, वो 25/1/2022 था, 25 जनवरी 2022 से आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का फॉर्म भर सकते हैं वैकेंसी के लिए। और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपके 23/2/2022, ठीक है। तो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है ना, इस फॉर्म को भरने के लिए। तो हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये फॉर्म भरना, ठीक है। तो 25 जनवरी से आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका जो कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, तो यदि आपने कुछ फॉर्म में गलती होगी तो वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, 1/3/2022 से 3/3/2022 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें डेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस के लिए जो डेट है अभी अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है, तो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जो भी डेट रहेगी इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 9 पोस्ट आई हुई है, ठीक है, 9 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, डीजे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो सैलरी वगैरह रहेगी तो 51,550 यहाँ से स्टार्टिंग रहेगी, ठीक है। तो आगे जो भी सैलरी पे स्केल रहेगा तो उसके अनुसार आपको पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पे कि आपको पहले प्री देना होगा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पे बात करें यदि आप जो मेंस एग्ज़ाम देंगे प्रिलिमिनरी के बाद, तो वहाँ पर आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक का यूज़ करना है, ठीक है ना, ब्लू पेन और या फिर ब्लैक पेन, इन दोनों का ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई अदर नहीं यूज़ करना है पेन, ठीक है। और यहाँ पर इफ़ एनी अदर कलर और पेंसिल फॉर द सेम, ठीक है ना, पेंसिल भी आप नहीं ले जा सकते वहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करें जो पोस्ट है, 9 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है ना, डीजे के लिए, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 1 पोस्ट रखा गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है ना, SC ST हो गए, तो यहाँ पे ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, और अनरिजर्व के लिए, ठीक है ना, अनारक्षित के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, टोटल 9 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है ना, तो कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी कम से कम उम्र 35 साल और अधिकतम 45, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम 35 आपकी एज होनी चाहिए यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 7 ईयर का आपको एडवोकेट में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा है। तो सबसे पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप किसी भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया का रहता है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 35 to 45 ईयर्स का ये यहाँ पे दे दिया गया है। देन आप यहाँ पे हम देखें फीस की बात करें तो जो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे पेमेंट कितना करना होगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, UR अर्थात जनरल कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पे 1,027.82 इतना आपको लगेगा, 1,027 रुपये लगेगा, लगभग 1,100 रुपये के समथिंग यहाँ पे पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे GST वगैरह सारी चीज़ पोर्टल चार्ज वगैरह सभी जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ ये हो गया अनरिजर्व के लिए, ठीक है, अनारक्षित के लिए। अब यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की बात करें ST SC OBC की, तो ST SC OBC के लिए कितना है, 647.82 रुपये, ठीक है, इसमें भी GST वगैरह जो भी पोर्टल चार्ज वगैरह है सब यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी यहाँ पे एक भी नहीं लगेगा, बाकी यहाँ पे जो GST है और जो भी चार्जेस है पोर्टल चार्ज वगैरह वो सब सारी चीज़ें लगेगी। और इसके बाद यदि आप आपका प्रिलिमिनरी निकल जाता है, प्री निकल जाता है, तो मेंस के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 283.20 रुपये लगेगा, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो STS के हो, ST SC के हो, OBC के हो, जनरल के हो, किसी भी के, ठीक है ना, तो 283.20 रुपीज़ यहाँ पर लगने हैं। तो ये हो गया आपकी फ़ीस की बात होगी। अब यहाँ पर हम सिलेबस की भी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से सिलेबस आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कौन कौन सा रहेगा। सबसे पहले प्रिलिमनी या स्क्रीमिंग एग्जाम, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद मेन, यदि आपका प्रिलिमनी निकल जाता है तो मेन्स एग्जाम, फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा, जो 50 मार्क का रहेगा। जो सिलेबस की बात करें, जो प्री होगा आपके डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सीपीसी टीपी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट 20 नंबर के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक रिलीफ है, एनडीपीएस लिमिटेशन नेगोशिएबल लैंड रेवेन्यू कोड एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना, ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे पूरे यहाँ पे टोटल मिलाकर आपको 150 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो 150 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो 2 आवर्स के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्री के लिए। अब मेंस की बात करें यहाँ पर, तो मेंस के लिए भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपका जो मेंस है वो होगा, ठीक है ना, वो टोटल 400 मार्क्स होगा, ठीक है। तो 4 पेपर रहेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला पेपर जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिविल प्रोसीजर कोड टीपी कॉन्ट्रैक्ट हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट ये सारे लिमिटेशन एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपका रहेगा आर्टिकल ऑन सोशल टॉपिक आर्टिकल ऑन लीगल टॉपिक समरी राइटिंग ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये भी सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद जो थर्ड पेपर होगा आपका वो लोकल लॉज और क्रिमिनल लॉज प्रोसीजर के बारे में रहेगा, जो 100 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एससीएसटी जो प्रिवेंशन एक्ट 9 आया था पोक्सो एक्ट एनडीपीएस एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तो हो गए 4 3 पेपर। अब जो फोर्थ पेपर की बात करें तो उसमें जजमेंट राइटिंग रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सेटलमेंट ऑफ इशू करना है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, जजमेंट राइटिंग एक सिविल कराएगा और एक क्रिमिनल कराएगा, तो जो 40 40 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया अब मेंस के लिए। तो आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस हो गया। उसके बाद हम बात करें जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, ठीक है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 25/1/2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।